पढ़ा इस फिल्म का नाम झुंड और किस पे आधारित है इस फिल्म की कहानी, कौन कर रहे हैं इस फिल्म का निर्माण और इस फिल्म से कौन कौन हस्तियां जुड़ी हैं। दोस्तों, कहाँ की जा रही है इस फिल्म की शूटिंग और इस फिल्म के मुख्य नायक फिल्म छोड़ने के बाद कैसे आए वापस और कब होगी ये फिल्म रिलीज और क्या इसे सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, इस फिल्म के खिलाफ किसने किया था केस दर्ज। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं अनिकी गरिमा अरोड़ा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की इस अपकमिंग बायोपिक का नाम इसकी कहानी के कारण झुंड पड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस असल जिंदगी पर आधारित फिल्म में मुंबई के स्लम से आने वालों की जिंदगी को दर्शाया गया है। दोस्तों, ये फिल्म श्री विजय बारसी के जीवन पर आधारित है। विजय ने नागपुर स्थित फिलसॉफ कॉलेज में खेल अध्यापक के रूप में कार्य किया, साथ ही एक समाज सेवक भी हैं जिन्होंने 2001 में स्लम सॉकर संगठन शुरू किया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कुछ गरीब बच्चों जो प्लास्टिक की बाल्टी से गेंद बनाकर खेलते थे, उन्हें देखकर इनके मन में ये क्लब बनाने का विचार आया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपनी पत्नी रंजना बारसी और पुत्र अभिजीत के साथ क्रीड़ा विकास संस्था नागपुर का भी गठन किया। दोस्तों, विजय की कहानी को आमिर खान के शो सत्यमेव जयते के पहले एपिसोड में भी दिखाया गया था। स्लॉकर स्लम संगठन फुटबॉल के जरिए बेघर, बेसहारा और गरीब लोगों को सहायता प्रदान करने का कार्य कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है, जैसे डिफ किड्स गोल, जिसमें बहरे बच्चों को जीवन और सुरक्षा कौशल से अवगत कराया जाता है जिससे वो आत्मनिर्भर हो पाएं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है विमेन फुटबॉल डेवलपमेंट, जिसका लक्ष्य भारत में खेल जगत में महिलाओं को बढ़ावा देना है। इनका अगला प्रोजेक्ट है एडुकेट, जिसका काम वंचित घर के बच्चों को प्राइमरी लेवल शिक्षा देना है। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन नागराज मंजुले कर रहे हैं। नागराज पोपटराव मंजुले भारतीय सिनेमा जगत के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, कवि तथा पटकथा लेखक भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मुख्यतः मराठी सिनेमा में काम किया है और अपनी मराठी फिल्म सैरथ तथा शॉर्ट फिल्म पिस्तुलिया के लिए इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली है। पिस्तुलिया के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया। निर्देशक के रूप में झुंडी इनकी पहली हिंदी फिल्म होगी। दोस्तों, ज़्यादातर सामाजिक विषयों पर फिल्म बनाने वाले नागराज इस फिल्म के जरिए भी हमें समाज के वंचित वर्ग से हूबहू कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, सविता हिरमित, गार्गी कुलकर्णी और मीनू अरोड़ा के द्वारा टी सीरीज तांडव फिल्म एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा आउटपुट फिल्म्स के बैनर के अंतर्गत किया जा रहा है। दोस्तों, इस फिल्म के कास्ट में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन विजय बारसी की भूमिका में नजर आएंगे, जो कि एक सेवानिवृत्त खेल अध्यापक हैं जो कि स्लम सॉकर नाम का एनजीओ शुरू करते हैं। वंचित वर्ग के बच्चों को ड्रग्स और गुनाहों से दूर रखने के लिए उन्हें फुटबॉल की शिक्षा देते हैं और एक फुटबॉल टीम का गठन भी करते हैं। दोस्तों, अमिताभ इससे पहले भी कई भिन्न प्रकार के किरदार निभा चुके हैं और इस फिल्म के लिए भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। दोस्तों, इस फिल्म के लिए अमिताभ प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। अपने किरदार को ईमानदारी से निभाने के लिए बिग बी फुटबॉल का प्रशिक्षण लेते हुए भी नजर आएंगे। उनके सुपुत्र अभिषेक, जो इस फुटबॉल का अच्छा ज्ञान रखते हैं, उन्हें भी इस फिल्म में सहायता के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, शायद ये बात कम लोगों को पता हो, लेकिन अमिताभ ने भी कोलकाता में रहते हुए अपने जवानी के दिनों में काफ़ी फुटबॉल खेला है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को सत्य के ज़्यादा करीब दिखाने के लिए नागराज ने बारसी के फिल्म सॉकर संगठन के काफ़ी सदस्यों को भी इस फिल्म में लिया है। ये सभी एक मंझे हुए फुटबॉल खिलाड़ी हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अपने किरदार की मानसिकता को समझने के लिए अमिताभ ने स्लम के बच्चों साथ काफ़ी समय बिताया। इन बच्चों के साथ खेल करा करते थे तथा अलग अलग कहानियां सुनाकर उन्हें सीख भी दिया करते थे। इनमें से कुछ बच्चे इस फिल्म में भी नजर आएंगे। दोस्तों, निर्देशक नागराज भी इन बच्चों साथ काफ़ी समय व्यतीत करते थे, यहाँ तक कि शूट के दौरान वो भी खुद स्लम में ही रहे। दोस्तों, इस फिल्म में स्लम के बच्चों को भी अपनी रचनात्मक दिखाने का मौका मिला। इन बच्चों द्वारा बनाया गया 30 सेकंड का म्यूजिकल सीन भी फिल्म में लिया गया है। अमिताभ के अतिरिक्त इस फिल्म में आकाश थौसर और रिंकू राजगुरु भी नजर आने वाले हैं। सैरथ के बाद नागराज के साथ इन दोनों की ये दूसरी फिल्म होगी। दोस्तों, आकाश थौसर पूर्व पहलवान रह चुके हैं। इन्हें नागराज के भाई भारत ने सोलपुर रेलवे स्टेशन पर देखकर सैरथ के ऑडिशन पर बुलाया था, जिसके बाद इन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में कास्ट किया गया। दोस्तों, इस फिल्म के बाद ये संजय मांजरेकर की मराठी फिल्म फ्रेंडशिप अनलिमिटेड तथा अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित लव स्टोरी की पहली कहानी में भी नजर आए थे। दोस्तों, प्रेरणा महादेव रिंकू राजगुरु, जो कि मराठी फिल्मों की अदाकारा हैं, अपनी फिल्म सैरथ से लाइमलाइट में आई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के स्पेशल जूरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने मनसू मलिगे नाम की एक कन्नड़ फिल्म भी की है।
200 झुंड की शूटिंग फरीदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेदम और नागपुर में की गई है और सूत्रों की माने तो अमिताभ ने शुरुआत में इस फिल्म से बैंक अकाउंट कर लिया था, लेकिन आमिर खान, जो कि नागराज को काफ़ी पसंद करते थे, ये पात्र करने के लिए मना कर दिया। कहा जाता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट नागराज ने सैरत की शूटिंग में के खत्म होते ही लिख ली थी और इस किरदार के एकमात्र अमिताभ ही उनकी पसंद थे। जी दोस्तों, इस फिल्म का फर्स्ट लुक 19 फरवरी 2019 में निकाला गया और इस साल की शुरुआत में इसका टीजर निकाला गया। दोस्तों, फिल्म को पहले 20 सितंबर 2019 में रिलीज होना था, लेकिन उसके बाद इसे 13 दिसंबर 2019 कर दिया गया, जो कि संभव नहीं हो पाया। लगातार चलती आ रही इस फिल्म को आखिरकार 8 मई 2020 में रिलीज करना तय किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये फिल्म एक बार फिर टल गई और अब सुनने में आ रहा है कि शायद इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज ना किया जाए, इसकी जगह इसे ऑनलाइन माध्यमों पर डिजिटल रिलीज किया जाए। हालांकि इस बारे में औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर ये सुनने में आ रही है कि हैदराबाद में स्थित एक इंडिपेंडेंट फिल्म निर्माता नंदी चित्री कुमार ने इस फिल्म पर कॉपीराइट उल्लंघन का केस दर्ज किया है। जी हाँ दोस्तों, झुंड की कहानी विजय बारसे पर आधारित है, जो कि गैंगस्टर से इस्लाम फुटबॉल खिलाड़ी बने अखिलेश पॉल के लिए भी फुटबॉल कोच थे। इसलिए फिल्म की कहानी इस किरदार को दिखाए बिना पूरी नहीं होगी, जो नंदी का कहना है कि अखिलेश की कहानी के लिए उन्होंने कॉपीराइट पहले ही खरीद लिए थे, लेकिन अखिलेश के अनुसार ये राइट डॉक्यूमेंट्री के लिए थे नहीं कि फीचर फिल्म के लिए थे, किंतु नंदी ने ये कहकर मुकदमा दर्ज किया था कि उन्होंने फिल्म के एक्सक्लूसिव राइट्स को खरीदा था, इसलिए किसी और को भी अधिकार देकर फिल्म बनाने उनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होगा। जी हाँ दोस्तों, विवादों में आई इस फिल्म के लिए हम आशा करते हैं कि ये जल्द से जल्द रिलीज हो और हमें अमिताभ को फुटबॉल कोच के रूप में देखने का मौका मिले। तो दोस्तों, क्या आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।